अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल। हम सब गए थे एनकोर, तो चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ये व्लॉग 1 मंथ पहले का है, जो कि एडिट नहीं था इसलिए अपलोड नहीं किया। हम लोग एनकोर खरीफ सीज़न में गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पर जब भी पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं तो बहुत गायें और ऊंट देखने को मिलते हैं। ये देखें, हमारी गाड़ी 0 की स्पीड पर जा रही है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। अगर आप सबको एनकोर जाना है तो आप सब दूसरे रोड से जाएं, हमें दूसरे रोड का नहीं था पता, इसलिए हम लोग इस रोड से गए थे, लेकिन आती बार हम लोग दूसरे रोड से ही आए थे। वैसे तो इस रास्ते से और भी काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी, इस रोड से जाने का मज़ा तो आया था, लेकिन ये बहुत लेट पहुँचाएगा आपको एनकोर। ये देखें, पहाड़ों पर कितने गहरे बादल छाए हुए हैं जो कि बहुत प्यारा नज़ारा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रुके, कुछ चीज़ें नहीं इस खूबसूरत सीन का एंजॉय किया। पहाड़ों पर देखें ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है, और वो रोड भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एनकोर आप जब भी हैं, बड़ी बड़ी कार्स लाएं, यानी कि 4 व्हील कार, क्योंकि वाटरफॉल तक जाने का रास्ता काफ़ी ख़राब था। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी गाड़ियाँ इधर ही पार्क की हुई हैं और आगे पैदल जा रहे हैं। आपको एनकोर की वाटरफॉल कैसी लगी? सही है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जब मैं एनकोर की वाटरफॉल के पास जा रही थी, और तब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्यों? वैसे भी उसका बहुत लंबा रास्ता और ख़राब भी था, है ना? हाँ, पत्थर ही पत्थर।
हमने यहाँ गाड़ी पार्क की। आगे पैदल के रास्ता काफ़ी पथरीला था, तकरीबन हमें 40 मिनट्स लग गए थे वहाँ जाते हुए। हम काफ़ी रास्ता जो है वो तय करके आ चुके थे। जैसे ही हमने ये पानी देखा हमें लगा कि शायद वाटरफॉल आने वाली है, लेकिन अभी भी काफ़ी चलना था। इधर रास्ते में कुछ बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इनके ऊपर से जाकर फिर आगे हम सामने वाटरफॉल देख सकते थे। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है, ये भी एक सीजनल वाटरफॉल है। हम लोग वाटरफॉल की वीडियो इसलिए सही से नहीं बना सके थे क्योंकि हमारी कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी और बाकी सब भी अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गए थे। कुछ तो ऐसे ही नहीं साथ लेके गए और कुछ गाड़ी में भूल गए थे। इस पानी के अंदर भी काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ थीं। यकीनन आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।